शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर भी कोरोना के खिलाफ जिंदगी जंग हार गई हैं। चंद्रो तोमर को 3 दिन पहले कोरोना संक्रमित पाया गया था। 89 साल की चंद्रो के संक्रमित होने की खबर उनके सोशल मीडिया हैंडल पर परिवार ने पोस्ट की थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद उनका निधन हो गया। चंद्रो ने उम्र के 6ठे दशक में निशानेबाजी की शुरुआत की थी और कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विजेता रही थी। चंद्रो देवी दुनिया की सबसे बुजुर्ग शार्प शूटर बताई जाती हैं, जिन्होंने अपनी बहन प्रकाशी तोमर के साथ कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। वह भी सबसे बुजुर्ग शार्प शूटर में से एक है। इन दोनों बहनों की जिंदगी पर फिल्म बनी है। सांड की आंख नाम की फिल्म में उनके जीवन का पूरा संघर्ष दिखाया गया था। शुरुआत में घरों के पुरुषों ने दोनों की निशानेबाजी पर आपत्ति जताई थी, लेकिन उनके बेटों, बहुओं और पोतों पोतियों ने उनका पूरा साथ दिया, जिसके बाद वह शूटिंग कर पाई। एक बार खेल अपनाने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में मेडल जीते। शूटर दादी ने वरिष्ठ नागरिक वर्ग में कई पुरस्कार भी हासिल किए। बिग स्क्रीन की तरफ से भी चंद्रो तोमर को श्रद्धांजलि। देखते रहिए बिग स्क्रीन।